हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो पे चैप्टर 8 का पार्ट 4 अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लाया हूं जो स्किप करके मैं चला गया था। कुछ लड़के ने ऐसा मुझे कमेंट में बताया कि सर थोड़ा सा एन्फो स्लरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव के बारे कुछ थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दीजिए। तो मैंने सोचा था कि उतने इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। चलिए तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो पे मैं बताऊंगा जो एक्सप्लोसिव से रिलेटेड होगा। और दूसरी बात, मैं इस पे क्या क्या बताऊंगा, ये टॉपिक जो है मैं इस पहला देखिए कि जो प्रीवियस जो वीडियो मैंने जो डाला है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, उसको पहले आप देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जो है रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एन्फो के बारे में बताऊँगा कि एन्फो किस तरह, एन्फो से रिलेटेड जितने भी जो नोटिफिकेशन में जो 2018 जो सर्कुलर जो डाले गए थे, 2017 में जो रेगुलेशन पास हुआ था CMR, उससे रिलेटेड जो है 193 जो रेगुलेशन नंबर है एन्फो से संबंधित, उससे मैं क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उससे मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये तो देख लिए सर्कुलर ऑफ एन्फो से रिलेटेड जो सर्कुलर है उससे मैं क्वेश्चन है। उसके बाद स्लरी एक्सप्लोसिव क्या होता है ये बताऊंगा, इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होता है ये भी बताऊंगा, साइट मिक्स स्लरी क्या होता है, साइट मिक्स इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होता है, प्लांट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव किस तरह से मिक्स होता है, कहाँ मिक्स होता है ये बताऊंगा, बूस्टर क्या होता है और नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है। ये सारे में टॉपिक जो है वे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आएगा उसको मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो पे पूरे लास्ट एंड तक बने रहें और अच्छे अच्छे जानकारी मिलेंगे, ये मैं आपको मैं गारंटी देता हूँ, जो आपको नया थोड़ा लगेगा। सबसे नया तो ये, आप शायद आप इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, ऊपरी पढ़े होंगे, लेकिन मैं इसमें डिटेल जो क्वेश्चन जो बनेंगे इस रिलेटेड 190 रेगुलेशन नंबर 193 से उसको ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का पहले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, तो जो रिवीजन के लिए मैं इस सारे चीज़ जो है रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, जो पहले शुरुआत कर देता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डेटोनेटिंग फ्यूज, इसका ऑप्शन है रेडिट, नॉनल, थर्ड कॉडेक्स, फोर्थ नैनो ब्रिज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा डेटोनेटिंग फ्यूज का एग्जाम्पल कौन सा है, कॉडेक्स। ये कॉडेक्स जो है डेटोनेटिंग फ्यूज है, ये डेटोनेटिंग फ्यूज जो है मार्केट में इस नाम से मिलता है। इसके लिए डिटेल अगर जानना हो तो जो वीडियो मैंने जो पार्ट बाय पार्ट बनाया है उसको आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑल्सो कॉल्ड डेटोनेटिंग कोड, डेटोनेटिंग कोड को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन पहला देखेंगे नॉनल, सेकेंड इज रेडिट, थर्ड इज डेटोनेटिंग फ्यूज एंड फोर्थ इज सेफ्टी फ्यूज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डेटोनेटिंग फ्यूज। ये डेटोनेटिंग फ्यूज को ही डेटोनेटिंग कॉर्ड कहते हैं। इसका डिटेल अगर जानना है तो जैसे मैंने बताया वो डेटोनेटिंग फ्यूज क्या है, डेटोनेटिंग कोड क्या है, ये सारा चीज़ मैं पिछले वीडियो पर बताया हूँ। तो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉनल, नॉनल क्या है, ये सारा चीज़ मिलेगा। नॉनल क्या है इसका एग्जाम्पल, इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला है रेडिट, सेकेंड इज कॉडेक्स, थर्ड इज एक्सल एंड फोर्थ इज 1 और 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 3, मतलब रेडिट और एक्सल दोनों क्या है, ये नॉनल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन कास्ट माइन में होल या होल की लाइन को अलग अलग करके ब्लास्ट करना हो तो डिले डेटोनेटर के जगह पे क्या लगाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डिले डेटोनेटर, सेकंड इज डेटोनेटिंग कोड, थर्ड इज डेटोनेटिंग रिले एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटोनेटिंग रिले है ना, डेटोनेटिंग रिले का इस्तेमाल करके होलों को अलग अलग टाइमिंग पे हम ब्लास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव के अनुसार, एक्सप्लोसिव रूल के अनुसार एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज को कितने क्लास में बांटा गया है, ये आपका ऑप्शन इस प्रकार है 8, सेकेंड इज 7, थर्ड इज 4, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर
8, मतलब 8 क्लास में बांटा गया है ये सबको। ठीक है, ये जितने भी डिटेल अगर जानना हो तो पहले पिछले वीडियो को जरूर देखें, तभी आप आंसर दे सकते हो। प्रायकर किस चीज़ का बना होता है? प्रायकर किस चीज़ का? पहला ऑप्शन है ब्रास, सेकंड इज अल्मोनियम, थर्ड इज वुड, फोर्थ इज 1 और 3, एंड 5 इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जैसे कि रेगुलेशन के अनुसार में बताया गया है कि जो प्रायकर होता है वो वुड का बना होता है, वुड का बना होना चाहिए, और नन फेरस का, नन फेरस के कैटेगरी में ही ये ब्रास और अल्मोनियम दोनों आते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, अब जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, इसमें बताने जा रहा हूँ कि एनफो क्या होता है। पहले बात, एनफो जानने से पहले आप समझिएगा कि एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो दो चीज़ के बेस्ड से बने होते हैं। एक नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड के होते हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से घुला हुआ होता है, मुख्य रूप होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है अमोनिया नाइट्रेट। ये अमोनिया नाइट्रेट बेस्ड के दो तरह के एक्सप्लोसिव जो है, दो तरह के एक्सप्लोसिव, मतलब जो एक्सप्लोसिव बनते हैं उसमें या तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है या फिर अमोनिया नाइट्रेट होता है, ये मुख्य तौर पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप यही चीज़ पहले बताऊंगा। तो अभी जो बताऊंगा अभी वो अमोनिया नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव ही बताऊंगा। तो एनफो क्या है? एनफो का सबसे पहले बात, फुल फॉर्म क्या होता है? अमोनिया नाइट्रेट एंड डीजल ऑयल, मतलब फ्यूल ऑयल। डीजल ऑयल की जगह में फ्यूल ऑयल कर लीजिएगा, कि अमोनिया नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल में का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये मिक्सचर होता है, यही मिक्सचर अमोनिया नाइट्रेट और प्लस फ्यूल का इस्तेमाल करके ये एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। ये एक्सप्लोसिव जो होता है मेटल माइंस या फिर कोल माइंस के क्वारी में इस्तेमाल होता है, ओपन कास्ट खदानों में। इसका क्या होता है कि अमोनिया नाइट्रेट प्लस जो फ्यूल होता है वो फ्यूल, आप सोच रहे होंगे 50% और ये भी 50%, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जब ताकतवर इसको बनाना है तो इसमें जो डीजल ऑयल मिक्स करते हैं वो 5-6% डीजल डालने पे ही मोस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा प्रभावित ब्लास्टिंग होता है, ऑक्सीजन बैलेंस एक्सप्लोसिव है ना, उसी में ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव बनता है। 5-6% अगर डीजल मिलाएंगे तो, अगर 10% से अधिक डीजल डालेंगे तो उसका क्या होता है, सेंसिटिविटी घटते जाता है और उसका पावर कम होता जाता है। इस कारण जो ये फिक्स्ड है, आप इतना 5-6% फ्यूल डालोगे तो ये आपका एनफो जो है पावरफुल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, आप ये चीज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 to 1 तक हो सकता है। ये आप स्पेसिफिकिटी पहले समझिए, क्यों आखिर मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनफो जो होता है वाटरी होल में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? पहली बात समझिए कि कोई जो वाटर होता है, वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी समझ लीजिए वो 1 होता है। अगर जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से कम होता है वो चीज़ क्या होगा, वो तैरेगा। 1 या 1 से कम हो वाटर में तैरेगा, क्या होगा, स्विम करेगा, फ्लॉट करेगा। अगर जिसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से अधिक हो तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, मतलब पानी के अंदर में डूब जाएगा। इसलिए स्लरी एक्सप्लोसिव को वाटरी होल में इस्तेमाल किया जाता है, स्लरी एक्सप्लोसिव को, और एनफो को नहीं यूज किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.8 से लेकर के 1 तक हो सकता है। इस कारण क्या है, इसमें वाटरी होल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल भी वाटरी होल में करना पड़ता है तो इसको कार्टिज बना करके इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो है 3000 से लेकर के 3500 मीटर पर सेकेंड तक के बीच में हो सकता है। ये भैरी भी हो सकता है, इसके बारे में VOD क्या होता है सारा मैं वीडियो पे बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन जो है आपका 193 से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है मैंने ले आया हूँ।
ठीक है, सर्कुलर जो बनते हैं इसमें सारे चीज़ मैं लाया हूँ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल को कैसे मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन है बाय मैनुअली यूज ऑफ हैंड, एंड सेकेंड इज मैकेनली बाय मैकेनिकली, थर्ड इज बोथ हैंड बी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। मैनुअली हम दो तरह से मिला सकते हैं एनफो को, ठीक है, एक एनफो को दो तरह से मिला सकते हैं, बाय मैनुअली मतलब हाथ से हम लोग मिला सकते हैं। एक बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, अगर 100 kg तक हमको अगर मिक्स करना है तो हम साइट में क्या होता है, ब्लास्टिंग साइट में क्या होता है, इसी में हम डाल अप टू जितना होता है 100 kg तक जो है हाथ से बाय मैनुअली से हम इस चीज़ को हम मिला सकते हैं। मतलब अमोनिया नाइट्रेट को हम यहाँ से रख दें और उसमें ऑयल जो है डीजल ऑयल जो होता है उसमें डालिए और मिक्स कर दीजिए, वो एनफो बन जाएगा अप टू 100 kg तक। देखिए है ना, इसका मैं रेफरेंस भी दे दूंगा कि मैं कहाँ से लिया हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि जहाँ अमोनिया नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल को मैनुअली मिक्स की जाती है उस जगह से कितने मीटर के अंदर कोई कचरा, ड्राई ग्रास, ड्राई घास ये नहीं होना चाहिए। जहाँ मिक्स होता है, मैनुअली मिक्स होता है, वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे कितने मीटर तक जो है वहाँ पे घास भी नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 60 meters, सेकेंड इज 15 meters, एंड थर्ड इज 150 meters, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 15 meters के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो इसके 15 meters के अंदर पे यहाँ पर जो है कोई भी कचरा या फिर कोई घास नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस लकड़ी का बॉक्स का डायमेंशन क्या होता है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट एंड डीजल ऑयल को मैनुअली मिक्सिंग किया जाता है, ठीक है, मतलब उस बॉक्स पे, जिस बॉक्स पे, जिस कंटेनर पे वुड का होता है वो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितना होता है। पहले इसको मैनुअली मिक्स करने वाला फिगर आपको दिमाग बैठा देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए ये आप फिगर को देखिए, मैनुअली इस तरह का बॉक्स बनाया रहता है, इस बॉक्स के अंदर पे प्लास्टिक में डाल दीजिए और अमोनिया नाइट्रेट देख रहे हैं ना इसमें किस तरह से मिलाया जा रहा है, अमोनिया नाइट्रेट यहाँ पर रख दिया गया, इसे मिलाया, फिर इसमें ऑयल डाल करके जो फ्यूल डीजल ऑयल होता है, जो ऑयल होता है मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको कार्टिज बना करके, ये ट्रेलर मशीन है, सॉरी ट्रेलर, ये ट्रक है, इसी ट्रक में कार्टिज बना करके इसमें भर भर के साइट तक हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो डायमेंशन होता है यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस लाइन पे यहाँ पे अप टू, यहाँ पे अप टू 100 kg तक जो हम मैनुअली हम हाथों से बना सकते हैं एक्सप्लोसिव एनफो का, है ना। इसका जो आप देख सकते हैं लेंथ कितना होता है 1.5 meters, ब्रेथ जो होता है 1 meter, एंड हाइट जो होता है 0.5 meters। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देखिए 150 cm इंटू 100 cm इंटू 50 cm, सेकेंड ऑप्शन में है 15 meters, 15 meters इंटू 10 meters एंड 5 meters, एंड थर्ड ऑप्शन इज 150 meters, 150 mm, 150 mm एंड 8 mm। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी मैनुअली मिक्स करते हैं उस बॉक्स में, जिस बॉक्स में मैनुअली मिक्स किया जाता है एनफो को, उसका ये डायमेंशन है, ठीक है। चलिए ये प्रूफ मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे मैंने बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बाद में पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेकर के, ये इस तरह से मैंने फिगर को बता दिया। और जो ट्रेलर जो मशीन होता है मिक्स करने के बाद मैनुअली जिसे मिक्स किया जाता है, तो ये सेमी ट्रेलर और फुल ट्रेलर जो वैन होते हैं उसमें क्या करते हैं, साइट में ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद, मतलब अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल जो है बनने के बाद, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे बनने के बाद ऑयल, जब अमोनिया नाइट्रेट जब कंपोजिशन बन जाएगा तो इसी सेमी ट्रेलर और फुल ट्रेलर वैन में हम साइट में जहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं वहाँ पे हम ले जाते हैं, देखिए। और दूसरा क्या है, मैकेनिकली, मैकेनिकली की पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मैंने मैकेनिकली के जो बताया, ये बाय मैकेनिकली, ये आपका जो BMD होता है, बल्क मिक्स्ड BMD बल्क मिक्स डिलीवरी जो सिस्टम होता है, एक ट्रक होता है, एक ट्रक होता है, ठीक है,
एक ट्रक होता है उसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं, इसमें अलग अलग एलिमेंट इसमें एक्सप्लोसिव के डले हुए होते हैं। जब होल में हम इसको भरते हैं तो इसमें होल भरने के दौरान पे ये तीनों क्या होता है, मिक्स होते हैं, उसी के इसको मैकेनिकली मिक्स किया जाता है। एक तो आप मैनुअली मिक्स करते हैं और एक मैकेनिकली, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर बल्क मिक्स डिलीवरी सिस्टम, ये है मैकेनिकली सिस्टम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखिए, जब अमोनिया नाइट्रेट एंड डीजल को बल्क मिक्सिंग डिलीवरी सिस्टम में मिक्स किया जाता है तो उस व्हीकल से कितने मीटर के अंदर कोई भी स्मोकिंग और कोई खुली आग की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका ऑप्शन है पहला 15 मीटर, सेकेंड इज 60 मीटर, थर्ड इज 100 मीटर एंड फोर्थ इज 90 मीटर, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, 60 मीटर। जहाँ पे बल्क जो होता है BMD उसके अंदर, यहाँ पे जब मिक्सिंग होती है इसके 60 मीटर के अंदर पे कोई भी स्मोकिंग या खुली आग नहीं जलाने हो, नहीं जलाने की अनुमति है, मतलब जलाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। इन केस ऑफ NFO ब्लास्टिंग इनिशिएटिंग एंड बूस्टर चार्ज शुड बी ऑफ, है ना। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि NFO को ब्लास्टिंग करने के लिए जो इनिशिएटिंग, जो जिससे हम इनिशिएट करते हैं, और जो बूस्टर हम यूज करते हैं, वो बूस्टर किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए, पहला है नॉन नाइट्रोग्लिसरीन टाइप, सेकेंड इज PETN एंड थर्ड इज TNT एंड फोर्थ इज सेकेंड एंड थर्ड, फाइव इज ऑल ऑफ दिस। का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो इनिशिएटिंग और बूस्टर चार्ज होगा शुड बी ऑफ नॉन नाइट्रोग्लिसरीन टाइप, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन का नहीं होना चाहिए। बाकी बात आप तो PETN का भी इस्तेमाल कर सकते हो और TNT का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नॉन नाइट्रेट नाइट्रेट ग्लिसरीन टाइप का भी होना होता है, उसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हो, TNT इस टाइप का हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये जो आपका दो है PETN और TNT, इस टाइप का जो होता है बूस्टर वो आपका हॉट होल मतलब हॉट स्ट्रेटा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर बूस्टर PETN और TNT टाइप का अगर बूस्टर होता है तो हॉट स्ट्रेटा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेटा NFO इज सूटेबल फॉर ब्लास्टिंग, है ना। ब्लास्टिंग कौन सा एक्सप्लोसिव, कौन सा स्ट्रेटा के लिए भाई। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सॉफ्ट रॉक, सेकेंड इज हार्ड रॉक, थर्ड इज बोथ A एंड B। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉफ्ट रॉक के लिए ही ये इस्तेमाल होता है, हार्ड रॉक के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इसीलिए ज़्यादातर ओपन कास्ट में क्या होता है, स्लरी एक्सप्लोसिव या फिर इमल्सन एक्सप्लोसिव ही इस्तेमाल होते हैं, NFO का थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, NFO इज नॉट सूटेबल फॉर हार्ड रॉक। NFO जो है हार्ड रॉक के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होता है, उसके लिए बहुत से तीन कारण हैं जो हार्ड रॉक में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए पहला है कारण कि NFO का स्ट्रेंथ जो होता है और VOD वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन बहुत ही कम होता है, इसके कारण हार्ड रॉक में इस्तेमाल नहीं होता है। सेकंड देखेंगे कि NFO में क्रैक पैदा करने की शक्ति कम होती, मतलब क्रैक ज़्यादा नहीं बनाएगा तो माल भी क्या होगा, कम ही टूटेगा। इस कारण क्या है, NFO का इस्तेमाल कम ही करते हैं। 80 mm से कम डायमीटर के होल में पूरी VOD नहीं बनाती, मतलब 80 mm से कम डाया होगा तो भैया उस पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन अधिक नहीं बन पाता है, इस कारण यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग होल NFO आर नॉट सूटेबल टू यूज, मतलब NFO किस होल में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्लीपिंग होल, सेकेंड इज हॉट होल्स एंड थर्ड इज A एंड B एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ, मतलब स्लीपिंग होल एंड हॉट होल में NFO का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अब स्लरी एक्सप्लोसिव क्या होता है, स्लरी एक्सप्लोसिव के बारे जानेंगे। स्लरी एक्सप्लोसिव क्या होता है, ये भी क्या होता है, अमोनिया नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव होता है, अमोनिया नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव। मतलब स्लरी एक्सप्लोसिव में भी क्या है, स्लरी एक्सप्लोसिव में ही
एक्सप्लोसिव में भी अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से, है ना। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट एंड फ्यूल सेंसिटाइजर होता है। तो इन सबों का मिक्सचर होता है। ऑक्सीडाइजर में आप अमोनिया नाइट्रेट ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या एंटीमनी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को स्लरी एक्सप्लोसिव को ही मिक्स करने के लिए जो आप पढ़े होंगे, जो BMD होता है ना, बल्क मिक्स डिलीवरी सिस्टम, ये इसी ट्रक में इसको मिक्स किया जाता है, इसी है ना। यहाँ पे देखिएगा फ्यूल सेंसिटाइजर में क्या है, यहाँ पे TENT और PETN और पेंटोलाइट, इसमें ये हो सकते हैं। ये भी याद रखेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजर प्लस फ्यूल सेंसिटाइजर इक्वल टू वाटर जेल। याद रखें, जो ये जो स्लरी एक्सप्लोसिव बनाते हैं ना, इस चीज़ को जेल बनाने के लिए, मतलब लिक्विड जेल बनाने के लिए क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर जो होता है, यहाँ देखिए क्रॉस लिंकिंग एजेंट डालकर, क्रॉस लिंकिंग एजेंट डाल करके एक्सप्लोसिव को जेल के रूप में किया जाता है ना, जेल के रूप में। अब वाटर जेल में इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्यों डालते हैं भाई, उसको जेल बनाने के लिए डालते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव पे, ठीक है। स्लरी एक्सप्लोसिव समझ में आ गया। अब स्लरी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटा स्लरी एक्सप्लोसिव इज सूटेबल फॉर यूज। फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट रॉक, सेकेंड इज मीडियम रॉक, थर्ड इज हार्ड रॉक एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना। ऑल ऑफ दीज इसका मतलब सॉफ्ट रॉक में, मीडियम रॉक पे, मतलब जो भी स्ट्रेटा, किसी तरह का स्ट्रेटा हो उसमें स्लरी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अभी के टाइम पे स्लरी एक्सप्लोसिव और इमल्सन एक्सप्लोसिव का ही इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लरी एक्सप्लोसिव, है ना। स्लरी एक्सप्लोसिव का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मोर देन वन, सेकेंड इज लेस देन वन, थर्ड इज वन और मोर देन वन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन वन होगा। मोर देन वन होगा क्यों, अगर मोर देन वन ही होगा तभी तो वाटरी होल में होगा, इस्तेमाल होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वन से अधिक होगा तभी वो वाटर के अंदर में सिंक करेगा, ठीक है, तभी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए क्या है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा मोर देन वन होगा, मतलब 1.8 या 1.5 के बीच में, ऐसी कुछ किताब में लिखा हुआ है, इतना इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लोसिव आर यूज्ड इन वाटरी होल, है ना। वाटरी होल में कौन सा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है एन्फो एक्सप्लोसिव, सेकेंड इज स्लरी एक्सप्लोसिव, थर्ड इज इमल्सन एक्सप्लोसिव, फोर्थ इज टू एंड थ्री, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा, टू एंड थ्री, स्लरी एक्सप्लोसिव एंड इमल्सन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल वाटरी होल में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट चलिए, अब इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होता है, ये इसको शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ कि इट इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड वाटर एंड फ्यूल ऑयल। अमोनिया नाइट्रेट पानी में घुला होता है, दैट डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर। नॉर्मली तेल और पानी मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाने के लिए इमल्सीफायर का यूज किया जाता है, इसी कारण इसे इमल्सन एक्सप्लोसिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज साइट मिक्स स्लरी, साइट मिक्स स्लरी एंड साइट मिक्स इमल्सन एक्सप्लोसिव क्या होते हैं, है ना। यह बारूद कार्टिज के रूप में नहीं होता है, समझे। इस एक्सप्लोसिव के एलिमेंट जो होते हैं, सप्लाई करने वाली कंपनी से लिक्विड स्टेट में एक पंप ट्रक के डिफरेंट कंपार्टमेंट, मैंने बताया था अभी तीन कंपार्टमेंट होते हैं, रखकर खान में लाया जाता है।
और होल के साइड पर पंप चालू करने पर सब एलिमेंट एक साथ चैम्बर में मिक्स होकर होज पाइप के हेल्प से होल में भरे जाते हैं। इसी कारण इसे साइट मिक्स स्लरी और साइट मिक्स एमल्सन एक्सप्लोसिव कहते हैं। याद रखें कि जो साइट मिक्स स्लरी का मतलब है कि साइट जहां पे ब्लास्टिंग होता है वहीं पे मिक्सअप होता है, एक ट्रक होता है, ठीक है, उस ट्रक में तीन कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें अलग अलग एलिमेंट उसमें होते हैं, नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं, जब होल में डालते हैं तीनों मिक्स होकर के यहाँ जाते हैं। और ये भी याद रखें जो प्लांट जो होता है ना, प्लांट मिक्स है ना, प्लांट मिक्स प्लांट मिक्स स्लरी जो होता है एक होल साइट से बहुत दूर में क्या होता है, एक साइट होता है, ठीक है, एक हाउस होता है, उसी हाउस के अंदर पे ये एक्सप्लोसिव पहले बना लिया जाता है। ये एक्सप्लोसिव बनाने के बाद उस ट्रक में लोड किया जाता है और लोड करने के बाद फिर साइट पे जहाँ पे होल जहाँ ब्लास्टिंग होनी है वहाँ पे ले जाते हैं। मतलब इस प्लांट में पहले तैयार होता है तब जाके इस ट्रक में लाया जाता है। ये होता है प्लांट मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव। और एक होता है साइट मिक्स, मतलब साइट में ही मिक्स कर दो, और एक हो प्लांट में मिक्स होता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है कि इन विच माइस वाज फर्स्ट यूज SMS, साइट मिक्स स्लरी सबसे पहले इंडिया में कहाँ इस्तेमाल किया गया था। पहला ऑप्शन है कुदेरमुख आयरन ओर माइंस, सेकेंड इज दूधी चुआ प्रोजेक्ट ऑफ NCL, थर्ड इज चीनाकुंडी माइंस एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। का करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन है ना। भारत सरकार ने नाइट्रोग्लिसरीन को किस वर्ष से उत्पादन बिक्री प्रयोग व रखने पे रोक लगा दी है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड, इस 2004 से इसकी उत्पादन जो है बंद कर दी गई है। अब थोड़ा सा नाइट्रोग्लिसरीन के बारे, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, जब बंद कर देते इसके लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसके बारे आप थोड़े से समझ लीजिए। इट इज एन ऑयली फ्लूड विथ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज वेरी सेंसिटिव टू एक्सप्लोजन बाय शॉक बाय एनी नेचर। मतलब ये नाइट्रोग्लिसरीन बहुत डेंजरस है भाई। डेंजरस का मतलब की है कि अगर वातावरण में अगर ऐसी खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें बाय नेचर में कुछ गड़बड़ हो जाए या घर्षण हो जाए, ये तुरंत ब्लास्ट हो सकता है ना, इस कारण बहुत डेंजरस होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ देख सकते हैं 1.6, इसके कारण क्या है, इसको वाटरी होल में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। बहुत खतरनाक है ये एक्सप्लोसिव, बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव है। उसके बाद इससे जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव जो होता है ये तीन होते थे है ना। पहला क्या है, जेलेटिनियस टाइप के होते थे, और दूसरा क्या है, सेमी जेलेटिनियस जो आप सुने भी होंगे, और पाउडरी टाइप के। ये तीन तरह के नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव हैं। बस इस वीडियो में इतना ही जानना है, ठीक है। अब अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर थोड़ी सी भी कुछ जानकारी मिला हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, और अच्छा और अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी अपकमिंग वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल हो।